नमस्कार दोस्तों, झारखंड डिफेंस जॉब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज को कैबिनेट बैठक थी गुरुवार को। जैसा कि फ्रेंड आप सभी के बीच में झारखंड कैबिनेट बैठक से एक लेटेस्ट और दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकल कर आ रही है झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों, मैं वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, साथ ही फ्रेंड आप सभी के बीच में एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखें, ठीक है। और चैनल पर नया है सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जैसा कि फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, इंडिया रिजर्व बटालियन की भर्ती 2017 में 2810 पदों पर भर्ती निकल कर आई थी फ्रेंड, और उनमें पूरे 2810 सीटों का जो है भर लिया गया था जेएसएससी के द्वारा। और फ्रेंड अभी वर्तमान में इनमें 1000 अभ्यर्थी इस नौकरी को छोड़ दिए हैं, यानी कोई दूसरे नौकरी में चले गए हैं, इससे जो बेटर है। यानी दोस्तों 1000 जो पुरानी जो भर्ती है, साथ ही दोस्तों जो 2000 नए वैकेंट पोस्ट है, तो दोस्तों टोटल 3000 प्लस पदों पे स्वीकृति कैबिनेट से मिल चुकी है। तो इनकी जो न्यूनतम योग्यता है फ्रेंड, मैट्रिक पास होगी, पहले दौड़ होगी, फिर आप सभी के बीच में मेडिकल होगा, इसके बाद फिर आप लोगों का लिखित एग्जामिनेशन होगा, जो दोस्तों इंडिया रिजर्व बटालियन का पिछले बार जो सिलेबस था वही सिलेबस आधारित रहने वाली है। तो चलिए उस वीडियो को आप सभी ध्यान से सुनिएगा, जो कि कैबिनेट से स्वीकृति मिल चुकी है। उससे पहले फ्रेंड, तो दोस्तों उससे पहले अगर आप चाहते हैं आपका जेएसएससी सीएल उत्पाद सिपाही जेएसएससी एलडीसी एग्जाम करेक्ट करे, तो फ्रेंड जेएसएससी के द्वारा जितनी भी एग्जामिनेशन हुई है, झारखंड पुलिस आईआरबी, ठीक है, राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव, 2012 से 2021 तक का सभी प्रश्न, यानी दोस्तों झारखंड जीके हो या दोस्तों भारत सामान्य ज्ञान हो या विज्ञान हो, सभी के सभी ऑफिशियल प्रश्न दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। और जेएसएससी की जितनी भी परीक्षा हुई है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर इतना एग्जामिनेशन हुआ है जेएसएससी के द्वारा, 65 शिफ्ट के प्रश्न दोस्तों आपको दिए जा रहे हैं बहुत ही कम कॉस्ट पे। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इनको पढ़कर जाए, अगर आपका सिलेक्शन चाहते हैं, तो दोस्तों इस सेट को जरूर ले लें, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके। मात्र दोस्तों 270 रुपये का पेमेंट लग रहा है, जो कि आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। तो चलिए उस वीडियो को ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। तो अगर लेना चाहते इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों आप से भी इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, जो कि आज को कैबिनेट में स्वीकृति मिल चुकी है। तो चलिए मैं प्ले कर ले रहा हूँ आप सभी के बीच में। तीसरा प्रस्ताव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन के संबंध में, इसमें शैक्षणिक अर्हता में कार्मिक विभाग के नियमावली में जिस प्रकार संशोधन किया गया है, उसी अनुरूप संशोधन करते हुए झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके अलावा शारीरिक अर्हता की जांच जो है वो चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा, तथा इसके निर्णय के विरुद्ध एपेक्स मेडिकल बोर्ड के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। और शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही अभ्यर्थी का चिकित्सीय जांच परीक्षा किया जाएगा, और शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सीय जांच परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही लिखित परीक्षा के लिए पात्र होंगे, किंतु शारीरिक जांच क्षमता परीक्षा तथा चिकित्सीय जांच परीक्षा मात्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। चौथा प्रस्ताव गृह कार्य। तो दोस्तों आप सभी समझ चुके हैं और सुन भी चुके हैं, सबसे पहले आप लोगों का जो है फिजिकल होगा, इसके बाद दोस्तों एपेक्स यानी मेडिकल होगा, चिकित्सीय जांच, इसके बाद दोस्तों आप लोगों का लिखित एग्जामिनेशन होगा, और ये जो दोस्तों ऊपर का जो दोनों है ये दोस्तों क्वालिफाइड नेचर का होगा, यानी आप लोगों का एग्जाम बेस्ड पे आप लोगों का जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। इनकी जो भर्ती है फ्रेंड बहुत ही जल्द अगले वर्ष यानी 2023 में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यही आज की कैबिनेट बैठक में स्वीकृति मिली है, तो देखिए कब तक ये भर्ती आ जाती है। यही एक अपडेट थी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अगर बिल्कुल वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।